खाली डिब्बा खाली बोतल खाली की गारंटी दूंगी, भरे हुए की क्या गारंटी। यही मोदी जी की गारंटी है, जो बोतल खाली है उसी पर ये तमाशा कर रहे हैं। मोदी जी के पास झूठ की कंपनी है, कंपनी है, कंपनी को चला रहे हैं वो। ये भारत के प्रधानमंत्री झूठ के खजाना है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ये प्रधानमंत्री का गरिमा को खत्म कर दिए। महात्मा जी आप महात्मा है, पहले हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे क्या? बिल्कुल पढ़ते थे, बिल्कुल पढ़ते थे, बिल्कुल। अरे मोदी जी तो बोले कि पहले हनुमान चालीसा लोग नहीं पढ़ता था। देखिए मोदी जी झूठा है, झूठा है। ये प्रधानमंत्री का गरिमा तो पूरे भारत का गिरा दिए, गिरा दिए। और अरे विदेशों में कहा जाता है कि हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया आप करें, गिरा दिए। परसों का सोशल मीडिया का न्यूज आपने देखा है? पूरे वर्ल्ड देख रहा है ये मोदी जी कैसे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अभी पहला चरण का चुनाव जो हुआ है और उनकी पक्ष में चुनाव नहीं गया, परसेंटेज बहुत घट गया, यानी करीब 45 से 50 पक्ष में नहीं गया। हाँ, कह रहे सभी सीटों पर जीत रहे हैं भाजपा वाले। अरे 45 से 50% वोट गिरा है। हाँ, वो विपक्ष के फेवर में गया, वोट की संख्या ऊपर बढ़ता 60, 65, 70 तो सत्ताधारी की पक्ष में जाता है, इतिहास है। अब वो खुला के अल बल कुछ बोल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से राम राज की यहाँ व्यवस्था है, सारे जनता सारे कम के लोग खुशी है, और मोदी जी झूठ मूठ के कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कभी थाली पिटवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं हनुमान जी की पूजा नहीं किया जा रहा है। आप एक एक जनता से पूछिए, और सबसे घटिया देश को बर्बाद करने वाला मोदी जी से भी ज्यादा आपका गोदी मीडिया है, आपके जैसा मीडिया लोग। पहले पढ़ते थे हनुमान चालीसा आप? बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान पढ़ता था। अरे पहले तो कहा जाता था कि हरिजन आदिवासी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। किसने कहा? आरएसएस, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वाला, बीजेपी का एक दलाल दोनों है, और दोनों ऐसा ऐसा षड्यंत्र रच के पब्लिक को गुमराह करके ऐसा किया गया है। भारत में हमेशा पूजा पाठ सभी धर्म के लोग अच्छे से मिलजुल के रहे हैं, झूठ मूठ की अफवाह फैला रहे हैं जो पूरा वर्ल्ड कह रहा है। मोदी जी अपना गरिमा तो गिरा लिए, मगर भारत का जो प्रधानमंत्री का गरिमा है उसको भी धीरे धीरे समाप्त करते हुए जा रहा है, झूठ बोल के 15 लाख रुपया देंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। ये क्या है? झूठा वादा नहीं है तो क्या है? ए मैं सुनिए, प्रधानमंत्री की मुंह से शोभा देता है। मुजफ्फरपुर में आके, बिहार में मुजफ्फरपुर है, यहाँ आके इन्होंने घोषणा किया कि अगर मेरी सरकार बनेगा तो पता ही हवाई अड्डा पूरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा। किस चीज से बोले वो? हमको तो लगता है कि वो मुंह से नहीं बोले क्या? महात्मा जी मोदी जी कहे कि मोदी का गारंटी है। क्या चीज का गारंटी है? झूठ की गारंटी है, झूठ की। हाँ, मोदी जी की गारंटी है जो झूठ हम बोलेंगे ये सत्य है, इसको खाना है। खाली डिब्बा खाली बोतल खाली की गारंटी दूंगी, भरे हुए की क्या गारंटी। यही मोदी जी की गारंटी है, जो बोतल खाली है उसी पर ये तमाशा कर रहे हैं। अब पब्लिक बता दिया है सामने के फर्स्ट चरण के इलेक्शन में, ये खाली बोतल खाली डिब्बा का गारंटी जो मोदी जी दे रहे हैं ये जनता बता दिया है, इसलिए अब ये बौखला गए हैं, अल बल सब बोल रहे हैं। अरे मोदी मीडिया कह रहा है, अरे मोदी जी तो बोले हैं यदि कांग्रेस का राज आ जाएगा तो महिला का मंगल सूत्र सोना छीना जाएगा। कौन छीनेगा? पहले छीना जाता था क्या? बीजेपी वाले छीनेंगे। हाँ? जैसे गरीब महिला लोग अपने पति से अपने बेटा से पैसा लेके मुरथारी में कहीं लुका छुपा के रखता था, 2000, 4000, 5000 रुपया गरीब महिला कमजोर घर की महिला वो जो रखता था, इस सबको मोदी नाश कर दिया। और बड़े बड़े उद्योगपति अपना पैसा बना लिया, महिला जो कमाने वाली महिला है वो बैंक में जाएगा आपस कमे, बैंक वाला झाड़ के मिलेगा आता था आ जाओ परसों आओ बिहार आओ कल आओ। नोटबंदी करके गरीब पर कहर बरसाए हैं,
उसी तरह हल्ला कर रहे हैं। अब हो सकता है ये गरीब के जितना गरीब परिवार को ही हल्ला कर रहा है, फिर कहेंगे ये सोना बाहर लाओ, जब्त कर लेंगे जैसे पैसा जब्त किया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री गरीब मजदूर का जो महिला सब थी जो पैसा जमा जमा करके रखती थी, ये सब का पैसा नाश कर दिए। उसी तरह थोड़ा बहुत सोना उना जो महिला सब गरीब घर का हर कम का महिला जो गरीब है वो रखी हुई है, मंगलसूत्र रखी हुई है छुपा के, वो सबको ये बीजेपी वाले बेच देंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, और कांग्रेस के राज में सब दिन शांति रहा। अरे मोदी जी का जवाब दिए प्रियंका गांधी, जो इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र बेच दिया। अरे महाराज कैसे पत्रकार है आप, नेहरू खानदान तो देश के लिए कुर्बान हो गया, सोना क्या है। अरे आप कह रहे कुर्बान का, मोदी जी का देश को बेच दिया। देश के लिए नेहरू खानदान कुर्बान हो गया, शरीर तक दान कर दिया, अपना घर का एक एक सोना आपातकाल में देश को दान कर दिया। दान कर दिया था जनता के प्रति, दान किया देश के प्रति, देश के विकास के लिए। आप कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं। एकदम करते हैं, खाली का गारंटी देते हैं। तो क्या लगता है मोदी जी का चुनावी जुमला है क्या? एकदम जुमला ही जुमला है, पूरा वर्ल्ड कह रहा है। अब मोदी जी घबरा गए, अब घबरा गए और घबरा के कह रहे हैं अलबला गए, अभी कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा महात्मा जी, आपके खाते में 15 लाख गया कि नहीं? 15 पैसा भी नहीं गया है। इनसे पूछिए सामने बहुत लोग है। गया पैसा अभी तक खाता में? नहीं दिया है। एक रुपया नहीं गया है? रुपया भी नहीं गया है। अच्छा, सब झूठ पर झूठ हो रहा है। आपके खाते में गया 15 लाख रुपया? 15 लाख रुपया गया तो क्या गया, 5 रुपया का एक पैसा भी नहीं आया। मोदी जी जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं क्या? मोदी जी के पास झूठ की कंपनी है, कंपनी है, कंपनी को चला रहे हैं, वो कंपनी चला रहे हैं झूठ की कंपनी, झूठ की कंपनी जी। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कांग्रेस एकदम झूठा है, कांग्रेस देश को बर्बाद कर दिया। मोदी जी अकबका कर ये चुनाव में कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा क्या है, मोदी जी तो बोले इस बार 400 के पार? जी नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। क्या लगता है इस बार देश में क्या लगता है, भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं? कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसा काम उन्होंने कभी किए नहीं, कुछ नहीं किए। अरे राम राज स्थापित कर दिए, वो राम राज स्थापित इसलिए नहीं किए। अच्छा, तो कोई भी करता। अच्छा, ऐसा थोड़े है कि वो उनके प्रधानमंत्री में हरिजन में ही हुआ। कोई भी करता। अच्छा।